नमस्कार दोस्तों, एलवी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में कक्षा 12 फिजिक्स कुमार मित्तल बुक के पांचवे चैप्टर वैद्युत चालन के न्यूमेरिकल का पार्ट 6 बताऊंगा। अगर आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाकर वो सभी वीडियो देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 27 तक बताया गया था। आज इसमें ध्यान दीजिए, इसमें दिया गया कार्बन के एक गुटके का साइज 1 सेंटीमीटर × 1 सेंटीमीटर × 50 सेंटीमीटर है, प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। फिर पहला पॉइंट दिया गया कि गुटके के वर्गाकार सिरों के बीच तथा दो आयताकार विपरीत फलकों के बीच और कार्बन का विशिष्ट प्रतिरोध आपको यहाँ पर दिया गया है 3.5 × 10³ - 3 ओम सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये विशिष्ट प्रतिरोध आपको दिया गया है, यानी कि रो का मान आपको यहाँ पर दिया गया है 3.5 × 10³ - 3 ओम सेंटीमीटर। तो ये विशिष्ट प्रतिरोध दिया गया है और इसमें ध्यान दिया गया था कि कार्बन के एक गुटके का साइज 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर ये गुटका हम लोग यहाँ पर बनाएं तो ध्यान दीजिए इस फिगर में, यहाँ पर ये गुटका बना रहे हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको एक गुटका तैयार करना है। तो ध्यान दीजिए, अब तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये एक कार्बन का जो है गुटका हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें तो इसमें ये गुटका हो जाएगा और इसकी ये भाग की लंबाई जो होगी वो 50 सेंटीमीटर, ये इतनी होगी। इसके अलावा ध्यान दीजिए, दिया गया था 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर ये जो इसकी मोटाई होगी इसका मान आपको 1 सेंटीमीटर दिया गया है और इसके अलावा इसकी जो चौड़ाई यानी कि ये जो भाग दिया गया इसका मान भी 1 सेंटीमीटर दिया गया। तो इस प्रकार ये गुटका तैयार हो जाएगा। तो अब इसमें ध्यान दीजिए, पहला पॉइंट जो आपको दिया गया था इसमें आपको ज्ञात करना था गुटके के वर्गाकार सिरों के बीच प्रतिरोध। तो वर्गाकार सिरे के बीच का जब प्रतिरोध हम लोग ज्ञात करेंगे तो इससे यहाँ पर हम लोग सूत्र प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिए, इसको मान लेते हैं R1, R1 बराबर सूत्र होगा रो एल बाई ए, इस सूत्र का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए, वर्गाकार भाग का जब हम लोग इसमें ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा R1 बराबर विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि 3.5 × 10³ - 3, ये इतना हो जाएगा। इसके बाद गुड़े यहाँ पर L यानी कि लंबाई, तो लंबाई इसकी है 50, इतनी हो जाएगी। इसके बाद क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक सिरा इसका 1 सेंटीमीटर और इधर का भाग 1 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल 1 × 1 इस प्रकार से लिखेंगे इसमें। तो ये हो जाएगा अब R1 बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 3.5 × 50 × 10³ - 3, बाकी 1 1 कम 1 और 1 से भाग करने पर यही संख्या आ जाएगी। तो ये इतना हो जाएगा। इसके बाद R1 बराबर, अब ध्यान दीजिए, अगर इससे हम लोग इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 0, फिर 5 से करेंगे तो 25 × 5 = 15, 15 × 2 हो जाएगा 17, इतना हो जाएगा। एक अंक पर दशमलव दिया गया तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, × 10³ - 3, ये इतना हो जाएगा यानी कि इतने ओम। और आप चाहे तो इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए दशमलव जो दिया गया इसे 3 अंक जो है बाईं तरफ ले जाइए, यानी कि इसको इस प्रकार से लिख दीजिए 0.175, तो यहाँ पर 10³ में अट जाएगी और यहाँ पर -3 दिया गया, तो यहाँ पर अब 10³ जो है वो समाप्त हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 0.175 ओम। तो ये इतना हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, दूसरा जो दिया गया था उसमें दिया गया था कि दो आयताकार विपरीत फलकों के बीच, तो यहाँ पर जो दो आयताकार विपरीत फलक हैं ध्यान दीजिए, एक ये ऊपरी सिरा यानी कि ये वाला फलक होगा इसका जो ऊपरी भाग दिया गया है, इसके अलावा इसका एक ये वाला सिरा जो नीचे की ओर दिया गया है, ये दोनों फलक जो दिए गए हैं इनके बीच हम लोगों को प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो अब ध्यान दीजिए, इनके बीच जो प्रतिरोध ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर हम लोग इसको मान लेते हैं R2, तो यहाँ पर अब हो जाएगा R2 बराबर सूत्र वही प्रयोग करना है यानी कि रो एल बाई ए, तो ये इतना होगा। तो अब इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब मान रखेंगे तो रो का मान तो 3.5 × 10³ - 3 हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब दो विपरीत फलक लेंगे इसमें हम लोग, तो लंबाई अब इसकी जो ली जाएगी, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए लंबाई का मान 1 प्रयोग किया जाएगा। इसमें लंबाई जो होगी इस चित्र में ध्यान दीजिए ये 1 प्रयोग करेंगे हम लोग, और इसके बाद यहाँ पर जब क्षेत्रफल प्रयोग करेंगे तो ये लंबाई और गुणे इसकी चौड़ाई यानी कि ये वाला भाग, ध्यान दीजिए ये लंबाई और ये भाग इसकी चौड़ाई, और इसके पहले यहाँ पर ये इसकी लंबाई हो जाएगी क्योंकि विपरीत फलक लिए गए हैं। तो अब यहाँ पर क्षेत्रफल जब लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा 1
गुड़े यहाँ पर हो जाएगा 50, ये इतना हो जाएगा। अब इसके बाद जब इसको हम लोग हल करेंगे तो ये आएगा 3.5 गुड़े 10 की घात -3 और बट्टे में हो जाएगा यहाँ पर 50, ये इतना आएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर ये दशमलव हम लोग कैंसिल करते हैं तो ये दशमलव कैंसिल करने पर एक जीरो बढ़ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 35 गुणे 10 की घात -3 और बट्टे में आ जाएगा यहाँ पर 500। अब इसके बाद अगर इसको हम लोग 5 से कैंसिल करते हैं तो ध्यान दीजिए 5 एक कम 5, ये 2 जीरो लग जाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा 5 सते 35, यानी कि ध्यान दीजिए 7 गुणे 10 की घात, यहाँ पर ध्यान दीजिए -3 दिया गया और ये आएगा 10 की घात 2, और 10 की घात 2 को जब हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा, -2 और -3 मिलके हो जाएगा 10 की घात -5 ओम। तो ये दूसरी स्थिति में प्रतिरोध आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन दिया गया कि एक पदार्थ के 50 सेंटीमीटर लंबे तथा 0.2 मिलीमीटर व्यास वाले तार का प्रतिरोध 0.8 ओम है, एक अन्य पदार्थ के 75 सेंटीमीटर लंबे और 0.1 मिलीमीटर व्यास वाले तार का प्रतिरोध 1.5 ओम है, इन पदार्थों के विशिष्ट प्रतिरोधों की तुलना कीजिए। तो यहाँ पर हम लोगों को इनके विशिष्ट प्रतिरोध की तुलना करनी है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसके पहले वाले वीडियो में आपको जो क्वेश्चन बताए गए थे उसमें एक सूत्र बताया गया था आर बराबर रो एल बटे पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए जो आज बताया गया था एल बाई ए, ए का मतलब क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल यहाँ पर प्रयोग करेंगे तो पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए अगर इससे हम लोग रो का मान ज्ञात करें तो ये संख्या पलट के इधर जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा रो बराबर आर और इसके बाद हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और बट्टे में आ जाएगा एल, यानी कि ये संख्या पलट के इधर आ जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ पर दो अलग अलग तार दिए गए हैं, तो अगर पहले तार के लिए प्रयोग करेंगे तो रो वन लिखा जाएगा, इधर हो जाएगा आर वन और यहाँ पर ध्यान दीजिए ये हो जाएगा पाई, इसकी त्रिज्या आर वन स्क्वायर और बट्टे में लंबाई हो जाएगी एल वन, तो ये इतना आ जाएगा। इसी प्रकार जब दूसरे तार के लिए प्रयोग करेंगे तो रो टू बराबर ये हो जाएगा आर टू, इसके बाद यहाँ पर आएगा पाई आर टू स्क्वायर और बट्टे में हो जाएगा यहाँ पर एल टू, ये इतना हो जाएगा। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब इसके बाद हम लोग समीकरण 1 को जो है 2 से भाग कर देते हैं, यहाँ पर समीकरण जो 1 है इसको 2 से भाग कर देते हैं। जब 1 को 2 से भाग करेंगे तो ध्यान दीजिए बाईं तरफ यहाँ पर आएगा रो 1 और बट्टे में हो जाएगा रो 2, इस प्रकार से लिखा जाएगा और बराबर में यहाँ पर अब ध्यान दीजिए इसमें यहाँ पर ये आएगा आर 1 और बट्टे में हो जाएगा आर 2, इतना आएगा। बाकी इस संख्या को जब भाग करेंगे तो ये संख्या पलट के इस तरफ जाएगी और इसमें ध्यान दीजिए पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा, इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर बचेगा आपका आर वन और इधर बट्टे में आर टू, दोनों पे स्क्वायर लगा तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर इस प्रकार से, और इंटू एल टू और एल वन जो है ये पलट के ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा एल टू बट्टे एल वन, तो ये इतना आ जाएगा। अब इसमें हम लोग मान रखेंगे तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन में जो आपको मान दिए गए हैं इसमें यहाँ पर दिया गया 50 सेंटीमीटर लंबे, तो यहाँ पर पहले लंबाई दी गई यानी कि L1 बराबर आपको दिया गया 50 सेंटीमीटर और 0.2 मिलीमीटर व्यास, तो यहाँ पर ये व्यास दिया गया है। अगर त्रिज्या ज्ञात करेंगे यानी कि R1 तो उसका मान आएगा 0.1 मिलीमीटर, तो यहाँ पर L1 हो जाएगा 50 और त्रिज्या R1 का मान हो जाएगा 0.1 मिलीमीटर और प्रतिरोध जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0.8 ओम यानी कि R1 का मान, तो ये R1 ये L1 और ये वाला जो होगा यहाँ पर ये R1 हो जाएगा, यानी कि ये स्मॉल आर त्रिज्या है और ये कैपिटल आर प्रतिरोध है, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। इसके बाद आगे ध्यान दीजिए 75 सेंटीमीटर लंबे ये L2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर व्यास दिया गया है 0.1, यानी कि जब हम लोग यहाँ पर त्रिज्या ज्ञात करेंगे तो 0.1/2 यानी कि उसको भाग करेंगे तो भाग करने पर यहाँ पर आएगा 0.05 मिलीमीटर, तो यहाँ पर वो त्रिज्या हो जाएगी, इसको हम लोग R2 मानेंगे। इसके अलावा ये प्रतिरोध दिया गया है यानी कि R2 का मान 1.5, तो अब ये सारे मान हम लोग लिख लेते हैं पहले। तो हम लोगों को पहले तार का जो प्रतिरोध दिया गया है यानी कि कैपिटल R1, इसका मान दिया गया है 0.8 ओम, इसके अलावा लंबाई जो दी गई है वो दी गई है 50 सेंटीमीटर और इसके बाद तार का व्यास दिया गया था उसमें 0.2, तो अगर हम लोग त्रिज्या लिखेंगे तो वो हो जाएगी 0.1 मिलीमीटर, इतना होगा। और इसके बाद जब दूसरे तार के लिए लिखेंगे तो ये हो जाएगा R2 बराबर 1.5 ओम, लंबाई जो दी गई है उसका मान दिया गया है 75 सेंटीमीटर और व्यास जो दिया गया था दूसरा वहाँ पर दिया गया था 0.1, तो इसको हम लोग 2 से भाग कर देंगे तो त्रिज्या निकल जाएगी, यानी कि इसको भाग करने पर
इसका मान आएगा 0.05 मिलीमीटर। तो ये इतना आ जाएगा, 0.05 mm इतना हो जाएगा। अब इसके बाद जो समीकरण अभी हम लोगों ने ज्ञात किया है, यानी कि रो वन बाई रो टू, इसको अभी हम लोगों ने हल करके ज्ञात किया है। इसका मान जो आया था वो आया था R1/R2, इसके बाद स्मॉल R1/R2 का होल स्क्वायर और इनटू में था L2/L1, इतना ज्ञात किया गया था। तो अब सारे मान इसमें हम लोग रखेंगे तो ये हो जाएगा रो वन बाई रो टू बराबर R1 का मान है 0.8 और R2 का मान है 1.5, ये इतना हो जाएगा। इसके बाद स्मॉल R1 का मान है 0.1 और स्मॉल R2 का मान है 0.05 स्क्वायर, ये इतना हो जाएगा। फिर L2 का मान जो दिया गया है आपको 75 और L1 का मान दिया गया है 50, तो ये इतना हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर दोनों दशमलव कैंसिल हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 8/15, यहाँ पर ये 8/15 हो जाएगा। इसके बाद गुणे, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें अगर यहाँ पर दशमलव कैंसिल करना है तो यहाँ पर 2 अंक पे दिया गया, यहाँ 1 अंक पे, तो ये इतना हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर दशमलव से दशमलव अगर कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 10/5 का होल स्क्वायर। इसके बाद गुणे, यहाँ पर ध्यान दीजिए ये 75 और ये 50, इसको अगर हम लोग यहाँ पर कैंसिल करते हैं तो ध्यान दीजिए, अगर इसको यहाँ पर हम लोग काट दें 25 से, यानी कि 25 3 75 और 25 2 50, तो ये इतना हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए 8/15 गुणे, इसको भाग करेंगे तो 5 2 10 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 4 गुणे 3/2, इतना हो जाएगा। अब इसके बाद इसको 2 से अगर हम लोग भाग करेंगे तो 2 2 4, ये इतना हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए 3 1 3 और 3 5 15, यानी कि 8 2 16 और ये बट्टे में आ जाएगा 5, यानी कि रो वन बट्टे रो टू, अगर दोनों को अनुपात में लिखा जाए तो रो वन और बाई यानी कि रो टू बराबर आएगा 16:5, तो ये इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया कि टंगस्टन के तंतु का 200 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 148 ओम है। टंगस्टन का प्रतिरोध ताप गुणांक 0.0045 प्रति डिग्री सेल्सियस है और 0 डिग्री सेल्सियस व 500 डिग्री सेल्सियस पर इनके प्रतिरोध क्या होंगे। तो अब ध्यान दीजिए, इसमें पहले तो आपको यहाँ पर ध्यान दीजिए 200 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध दिया गया है 148 ओम। अब इसमें आपको ध्यान देना, इसका जो सूत्र होता है, सूत्र होता है यहाँ पर RT बराबर R01 + αT। तो यहाँ पर अल्फा ताप गुणांक होता है, RT का मतलब यहाँ पर T डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम लोगों को दिया गया 200 डिग्री सेल्सियस पर 148, यानी कि यहाँ पर ये 200 डिग्री सेल्सियस T का मान है और 148 जो है वो प्रतिरोध है। तो इसका मान हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 148 और बराबर R0, यहाँ पर ये हो जाएगा R0, फिर 1 + यहाँ पर अल्फा, अल्फा का मान आपको ये दिया गया है यानी कि 0.0045 और गुणे T, T का मान आपको यहाँ पर दिया गया है 200, तो ये इतना होगा। अब इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये हो जाएगा 148 बराबर R0। इसके बाद ध्यान दीजिए 1 + यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर इसका गुणा करेंगे तो 45 2 90। इसके बाद दशमलव जो दिया गया था आपको यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 2 0 अगर हम लोग यहाँ पर लगा दें इस प्रकार से तो इतना होगा। अब दशमलव जो आएगा वो 4 अंक पे, यानी कि इस जगह पर दशमलव लग जाएगा, इसमें इतना हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम लोग R0 का मान ज्ञात करें तो ये संख्या इसके बट्टे में आ जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा 148 बट्टे, ध्यान दीजिए 1 और +0.9 इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1.9 और इसको जब हम लोग भाग करेंगे तो भाग करने पर इसका मान आ जाएगा 78 ओम, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध आ गया 78 ओम, तो ये इतना हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर पूछा था कि 500 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध क्या होगा, तो 500 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध हम लोग मान लेते हैं T- है, तो यहाँ पर लिख देना आप कि माना 500 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ पर प्रतिरोध RT- है, इस प्रकार से मान लेना। तो जहाँ पर हम लोगों ने RT लिखा था अब वहाँ पर ये लिखना है आपको, यानी कि ये हो जाएगा RT- इस प्रकार से, फिर बराबर, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर होता है R0 और R0 यहाँ पर लिखेंगे इस प्रकार से R0,
इसके बाद 1 प्लस अल्फा टी। तो अब इसमें आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा जाएगा टी डैश इस प्रकार से। तो अब इसमें ध्यान दीजिए, आर टी डैश बराबर R0 का मान जो अभी हम लोगों ने ज्ञात किया है यानी कि 78, फिर 1 प्लस अल्फा का मान आपको क्वेश्चन में दिया गया था यानी कि 0.0045 इंटू टी डैश यानी कि जितने पर ज्ञात कर रहे हैं यानी कि 500 डिग्री सेल्सियस पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 500। तो ये इतना हो जाएगा। अब इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा आर टी डैश बराबर 78, इसके बाद 1 प्लस, यहाँ पर इसका गुणा करेंगे हम लोग, तो गुणा करने पर अब इसका मान जो आएगा वो आएगा 2.25, इसे आप गुणा कर सकते हैं इस प्रकार। तो अब इसके बाद ये हो जाएगा 78 गुणे, इसको जोड़ेंगे तो 2 और 1 मिल के हो जाएगा 3.25, और इसके बाद जब इसको हम लोग गुणा करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा आर टी डैश बराबर, और इसका मान आएगा 253। यहाँ पर हम लोग प्रतिरोध ज्ञात कर रहे थे इसलिए इसका मात्रक हो जाएगा ओम, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया कि एक चांदी के तार का 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 1.25 ओम है, इसके प्रतिरोध को 2 गुना करने के लिए इसे किस ताप तक गर्म करना होगा। चांदी का प्रतिरोध ताप गुणांक 0.00375 प्रति डिग्री सेल्सियस है, क्या चांदी के सभी चालकों के लिए यही ताप होगा। तो अब ध्यान दीजिए, इसमें हम लोगों को 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध दिया गया है यानी कि R0 बराबर आपको दिया गया है 1.25 ओम, ये दिया गया है R0 बराबर। और इसके अलावा ध्यान दीजिए, इसमें लिखा गया था हम लोगों को चांदी का प्रतिरोध ताप गुणांक, ताप गुणांक को लिखते हैं अल्फा से, तो अल्फा का मान जो दिया गया वो हो जाएगा 0.00375 प्रति डिग्री सेल्सियस, तो ये इसका मान हो जाएगा। और इसके अलावा ध्यान दीजिए, इसमें लिखा गया था कि इसके प्रतिरोध को 2 गुना करने के लिए इसे किस ताप पर, यानी कि हम लोग मान लेंगे अगर RT बराबर, तो इसके प्रतिरोध को 2 गुना करने के लिए यानी कि 2 गुणे R0, अगर इसको 2 गुना करेंगे तो इसे किस ताप पर जो है गर्म करना होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे R0 का मान रखेंगे 1.25, इसका जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5 ओम, इतना हो जाएगा। तो इसमें हम लोगों को टी का मान ज्ञात करना है यानी कि किस ताप पर जो है इतना प्रतिरोध 2 गुना हो जाएगा। तो टी का मान ज्ञात करना है, सूत्र प्रयोग करेंगे RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा टी, ये इतना होगा। अब इसमें सारे मान रखे जाएंगे तो RT का मान दिया गया है 2.5, ये इतना हो जाएगा। फिर बराबर R0, इसका मान भी दिया गया आपको 1.25, ये इतना हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद 1 प्लस अल्फा का मान दिया गया आपको 0.00375 और गुड़े यहाँ पर हो जाएगा टी, तो ये इतना हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, ये संख्या इधर बट्टे में आएगी यानी कि ये हो जाएगा 2.5 और बट्टे में 1.25 बराबर में यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 0.00375 टी, ये इतना होगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर 1 जीरो बढ़ाएंगे तो 0.2 अंक पर हो जाएगा, अब 0.00 से 0.00 कट जाएगा तो यहाँ पर आएगा 250 और 125। इसके बाद जब 125 से हम लोग 225 को काटेंगे तो ये 2 बार जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1 बराबर 1 प्लस 0.00375 टी, इतना हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ये 1 इधर आएगा तो इस तरफ आने पर ये माइनस हो जाएगा यानी कि इसको इस प्रकार लिख सकते हो 0.00375 टी बराबर ये 1 इधर आएगा तो 2 माइनस 1 और 2 माइनस 1 बराबर आ जाएगा 1, यानी कि जब यहाँ से हम लोग टी का मान ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा 1.00375, ये इतना हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 अंक पे दिया गया है 0.00, इसको काटेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 इतने 0 बढ़ जाएंगे। इसके बाद जब हम लोग 375 से इसको भाग करेंगे तो इसका मान आएगा 267 डिग्री सेल्सियस, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला दिया गया है कि किसी फिलामेंट का 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 100 ओम है तथा 400 डिग्री सेल्सियस पर 200 ओम है, फिलामेंट के प्रतिरोध के ताप गुणांक की गणना कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 100 ओम और इसके अलावा 400 डिग्री सेल्सियस पर जो दिया गया वो 200 ओम, तो पहले वाले को हम लोग मान लेते हैं R1, तो R1 बराबर आपको यहाँ पर दिया गया है 100 ओम। इसके बाद दूसरे को मान लेते हैं R2 और इसका मान आपको यहाँ पर दिया गया है 200 ओम, एक का मान 100 और दूसरे का मान जो है
200, तो ये इतना हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहला ताप जो दिया गया था 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि यहाँ पर T1 बराबर हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस और T2 बराबर हो जाएगा 400 डिग्री सेल्सियस, इतना हो जाएगा। और इसमें हम लोगों को अल्फा का मान जो है वो ज्ञात करना है, तो सूत्र यहाँ पर प्रयोग करेंगे हम लोग, अल्फा बराबर R2 - R1 और बट्टे में हो जाएगा यहाँ पर R1 T2 - R2 T1, इस सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए, इसमें हम लोग सारे मान रखेंगे, तो ध्यान दीजिए R2 का मान हो जाएगा 200 माइनस R1, इसका मान हो जाएगा 100, फिर बट्टे यहाँ पर R1 पहले रखना है, R1 का मान 100 गुणे इसके बाद T2 का मान यहाँ पर हो जाएगा 400, फिर माइनस इसके बाद R2 यानी कि इसका मान हो जाएगा 200, फिर गुणे T1 का मान यहाँ पर हो जाएगा 100, तो ये इतना आएगा। अब इसके बाद अल्फा बराबर यहाँ 200 से 100 घटाएंगे तो इसका मान हो जाएगा 100 बट्टे, यहाँ पर ध्यान दीजिए इसका गुणा करेंगे यहाँ पर हम लोग 400 का 100 में, तो यहाँ पे 4 के बाद 2 और 2 यानी कि 4 0 लग जाएंगे इसके बाद, फिर माइनस यहाँ पर 2 के बाद 4 0 लग जाएंगे, यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिए ये हो जाएगा 40,000 और ये 20,000, इसके बाद ये हो जाएगा 100 और बट्टे में जब 40 से 20,000 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 20,000, इतना बचेगा। तो ध्यान दीजिए अब यहाँ 20,000 बचा है और ऊपर 100 दिया है, तो यहाँ पर 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, तो यहाँ बचेगा 1/200, और 200 से जब हम लोग 1 को भाग करेंगे तो भाग करने पर इसका मान आएगा 0.0005, इतना आ जाएगा यहाँ पर भाग करने पर। तो यहाँ पर हम लोग ताप गुणांक ज्ञात कर रहे थे, इसलिए यहाँ पर मात्रक होगा प्रति डिग्री सेल्सियस, और आप चाहे तो इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी कि 5×10⁻³। ध्यान दीजिए 1 2 3, 3 अंक दाई ओर जाएगा तो यहाँ पर घात -3 आ जाएगी, यानी कि इसको मानक रूप में लिखा गया है। और अगर आपको मानक रूप में लिखने में कोई दिक्कत हो रही है तो इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। और इसका यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा, ये मात्रक लिखा जाएगा प्रति डिग्री सेल्सियस, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बाकी के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा।